राधे राधे एवरीवन। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैंने बनाया कद्दू का हलवा। कद्दू का हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी बनकर के रेडी हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं मैंने कैसे बनाना है। तो कद्दू को मैंने छील करके उबाल लिया था। अब थोड़ा सा घी डाल के मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। थोड़ा सा जब पानी जल जाएगा तब मैं इसमें चीनी डालूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं या क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा कम मीठा खाना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने चीनी थोड़ी कम डाली है। चीनी डाल करके मैं अच्छे से चला दूँगी। चीनी डालने के बाद वापस से कद्दू में पानी निकलेगा। देख सकते हो आप, पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। वापस से मैंने भून लेना है। गैस की फ्लेम हाई रखनी है और कंटिन्यू चलाते हुए पका लेना है। तरीके से भून चुका है, देख सकते हो कितनी ड्राइनेस आ चुकी है। इसी स्टेज पे मैं डाल दूंगी इसमें मावा। मावा डालने से, भुना हुआ मावा ही डालें जिससे टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इलायची के बीज, इलायची पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इलायची के बीज डालिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हलवा अच्छी मिक्स कर देना है और थोड़ा सा और भून लेना है। हलवा जितना ही ज़्यादा भुनता है टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है, और मावा पड़ने से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। भुन करके रेडी हो चुका है हलवा। अब मैंने निकाल लेना है। देख सकते हो आप हलवा कितना ज़्यादा बढ़िया बना है। प्लेटिंग मैंने कर ली है, गार्निश किया है मैंने बादाम किशमिश नारियल के साथ। जन्माष्टमी पर ज़रूर बनाइए, कान्हा जी को भोग लगाइए, प्रसाद में आप भी खाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।